बड़े और व्यवसायिक महत्व के अतिक्रमण पर आज राजस्व विभाग व नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर निगम के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भू माफियाओं द्वारा शासकीय जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच दिया गया है, जिसमें से ज्यादातर भूमियों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज SDM ने टीम गठित कर बेजा कब्जा पर कार्रवाई की है। भगवानपुर, गोरखा, जगतपुर, बड़े रामपुर, अतरमुड़ा में बड़े पैमाने में सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री की शिकायतें बार बार अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व निगम आयुक्त को मिलती रही है। बार बार मिली शिकायत के बाद निगम कमिश्नर और तहसीलदार के साथ स्वयं SDM हर जगहों पर जाकर अवैध निर्माण का जायजा लिए और कई जगहों से कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भू माफियाओं द्वारा शासकीय जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच दिया गया है, जिसमें से ज्यादातर भूमियों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद SDM भागवत जायसवाल ने टीम गठित कर बेजा कब्जा पर कार्रवाई की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रामपुर क्षेत्र में जब प्रशासनिक अमला बेदखली के लिए पहुंचा, तो बेजा कब्जाधारी ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में भी प्रशासनिक अधिकारियों को बिना बेजा कब्जा हटाए वापस लौटना पड़ा। हाँ, हम 30 साल यहाँ रहा था, अब बिना जानते आके तोड़ दे 6:30 बजे। नान नान छोटे छोटे लड़का ला, हमन कहाँ लेके जाबो? अब क्या चाहते हैं? हमारे कोई हमन चाहत हन कुछ हमार मदद करे सरकार, हर हमार बिना सूचना के कैसे तोड़ा थे घर ला हमारे। मेरा मकान आज पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हमारे पूरे फैमिली वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ रहते भी थे, है ना। आधा बन चुका था पूरा घर वहाँ पर। अभी हमारे सब जितने भी अधिकारी आए हुए थे, सब कोई मिलकर यहाँ पर मैं मना भी किया, उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया गया है, पहले भी नहीं और अभी भी। खाली हम लोग बोले कि तोड़ेंगे, मतलब तोड़ेंगे। किसी पीछे का बहुत बड़ा किसी का ज़मीन है, 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है किसी का, उसके नाम से जगह देने के लिए, उसको रोड बनाने के नाम से दिया गया है, तोड़ा गया है बिना जानकारी के। और यहाँ पर खाली मेरा ही घर टूटा है और किसी का घर यहाँ पर टूटा नहीं है। बोलो रायगढ़ मतलब नजूल ज़मीन मेरा ही है एक। आपकी लगभग कितनी राशि कुल बर्बाद हुई होगी? अभी तो मैं 2-3 लाख रुपए कम से ज़्यादा हुआ है। फिर ज़मीन है अलग, और बहुत मुश्किल से हम लोग अपना जोड़ कर ज़मीन खरीदे थे और उसके बाद आज बनाने की कोशिश किए हैं, उसको इन लोग पूरा नहीं होने दिए। और सभी कोई जब हम लोग उनको बोलने के मौका बोलने किए तो उन लोग ऑटोमेटिक सब अपने तोड़ के भग गए। वैसे तो अतिक्रमण की शिकायत पूरे शहर भर में जो बाहरी इलाके हैं स्पेशली वहाँ पर ज़्यादा मिल रहे थे। ऐसे अतिक्रमण जो व्यवसायिक स्तर के हैं, बड़े बड़े अतिक्रमण जिसका भविष्य में व्यवसायिक उपयोग करने की मंशा के साथ उन लोग कर रहे थे, और दूसरा खरीदी बिक्री जो फर्जी खरीदी बिक्री यहाँ पर हो रही थी उसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसके लिए आज कार्रवाई की गई है। जगतपुर, भगवानपुर, गोरखा जैसे इलाकों में और उसके साथ साथ अतरमुड़ा इलाकों में कुछ कुछ जगह पर जहाँ ऐसी संभावनाएँ व्यवसायिक उपयोग की, उन पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में अभी और कार्रवाई सतत रहेगी। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो अपना सामान और अपना अहाता स्वयं हटा ले ताकि कार्रवाई की स्थिति ना बन पाए। मीडिया के जानकारी पर ही बहुत से जगहों पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की सूचना मीडिया के द्वारा बार बार रेज उठ किया गया है। उसके तहत कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज उन जगहों पर जो शासकीय जगह है और बहुमूल्य जगह है, भगवानपुरा में 25 अतिक्रमणधारियों के ऊपर में अतिक्रमण हटाया गया है, जो कि करके 7 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके मुख्य मार्ग में अतिक्रमण करके लोग काबिज थे, उसको हटाया गया है। ऐसे ही बड़े रामपुर में शासकीय जगह पर अतिक्रमण करके लोग मकान बना रहे थे, उनको हटाया गया है। बड़े अतरमुड़ा में भी बाउंड्री वाले लोग करके घेर करके शासकीय जगह को सिर्फ कब्जा करके रखे हैं, उनको हटाया गया है। और मुख्य उद्देश्य यह है कि जो शासकीय जगह है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा उसका अपने आवासीय प्रयोजन के लिए ना करके उसको जो है अपने हितों की रक्षा के हितों के लिए बहुत सारे शासकीय जगह को अतिक्रमण करके बाउंड्री वाल शिफ्ट करके रखे गए, उनको हटाया गया। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।